गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथ इन क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास फोर्थ और फिफ्थ के मैथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के विषय में पढ़ेंगे। तो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में कोटपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटपूरक कोण, कोटपूरक कोण। इस तरह से आप जान लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कोटपूरक कोण कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, यह ब्लैकबोर्ड पर मैंने लिखा भी है, आप अपने पेपर पर उतार भी लीजिएगा और इसको हम बता भी दे रहे हैं। ए पेयर ऑफ एंगल, पेयर मीन्स क्या होता है बेटा? जोड़ा। पेयर मीन्स जोड़ा। ए पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो कोणों का पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। टू ईच अदर इन द सम ऑफ देयर, अर्थात जब दो एंगलों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तब वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। बेटा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तब वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, अर्थात दोनों एंगलों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। जबकि सप्लीमेंट्री में ऐसा बेटा नहीं होता है। सप्लीमेंट्री में दो एंगलों का जोड़ जब 180 डिग्री होता है तो वह सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो इस तरह से आप जान भी गए होंगे कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो वह सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री। तो इज इक्वल टू अब बेटा आपको अभी बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसमें वन एंगल दिया गया है कॉम्प्लीमेंट पूरक, वह 36 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री।
कंप्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री, तो कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। यहाँ देखिए, जब बेटा एक एंगल दिया गया हो, कॉम्प्लीमेंट्स दिया गया हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना हो, तो 90 से जो एंगल दिया गया है उसे हम माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब यहाँ देखिए, 54 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा 90 डिग्री ही आएगा। इस तरह से जैसे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑफ 58 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट कितना दिया गया है, 58 डिग्री। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो बेटा 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ जीरो हम वन कैरी लेंगे, 10 से 8 को निकालेंगे 2, यहाँ बचा 8 से 5 को निकालेंगे 3, 32 डिग्री। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को निकालते हैं। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इस तरह से हम जब भी सप्लीमेंट्री एंगल को निकालते हैं तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल, गिवन एंगल यहाँ जैसे अब देखिए 127 डिग्री सप्लीमेंट इज इक्वल टू 127 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 माइनस
127 इक्वल टू 10 से 7 को निकालेंगे 3, 7 से 2 को निकालेंगे 5 इक्वल टू 53 डिग्री। इस तरह से बेटा हम सप्लीमेंट्री एंगल को ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे बेटा 93 डिग्री, तो सप्लीमेंट इक्वल टू ऑफ 93 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 93 डिग्री इक्वल टू 7 9 8 बेटा 87 डिग्री। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को ज्ञात करते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बेटा थैंक यू।